छपरा में डिलीवरी कराने आई प्रसूता के मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें महिला के प्रसव करते समय नर्सों ने लापरवाही के चलते अंदर ही कपड़ा छोड़ दिया था। आपको बता दें कि ग्राम जयसिंहपुरा निवासी प्रसूता पिंकी तोमर 25 जनवरी को डिलीवरी कराने के लिए बीनागंज अस्पताल पहुंची थी, जहां उसकी सकुशल डिलीवरी भी हो गई थी और एक स्वस्थ बच्ची को जन्म भी दिया था। महिला वहां से डिस्चार्ज होकर अपने घर चली गई थी, लेकिन 12 से 14 दिन बीत जाने के बाद महिला को अचानक दर्द होने लगा। ऐसी स्थिति को देखते हुए महिला का पति कुलदीप तोमर बीनागंज स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहाँ जाँच के द्वारा उसके अंदर से एक कपड़ा निकाला गया। महिला ने पूरी दास्तान बताई। मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं महिला के पति ने भी स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ तो जहां डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, वहीं दूसरी ओर यदि ऐसी लापरवाही प्रसूताओं के साथ की जाती है जिससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? करेंगे, एक मैम थी, हम नहीं करेंगे जाँच, क्योंकि मैम थोड़ा तो देख लो, हमें प्रॉब्लम हो रही चलने में, हम नहीं देखेंगे। तो अभी आप बीनागंज अस्पताल में आए हैं, तो क्या बता रहे हैं आपको? अभी कई इंजेक्शन दिए हैं, कई आपको कई देखते हैं, अभी जांच नहीं आई, कई जांच में देखते हैं कि कितना इन्फेक्शन फैला है खून में। वो कल मैंने दे हाँ बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन फैला होगा तो कई बाहर वो गुना भेजेंगे। वो कल मनी सिस्टर से निकलवाई थी हम लोगों ने वो कपड़ा। आपका ऑपरेशन कौन से सिस्टर ने किया था? वो सुनीता मैम थी और आरती मैम थी, शायद दोनों सुनीता आरती दोनों थी, दोनों ने किया था। उन लोगों ने कपड़ा लगा दिया सर, बताना चाहिए ना इन लोगों को, ना किसी को बताया। कि मेरी घरवाली की डिलीवरी 25 तारीख को हुई है, इसके बाद में इन लोगों ने क्या किया कि जब डिस्चार्जिंग की ना तो एक तो एक दिन की डेट बढ़ा दी और दो दिन में डिस्चार्जिंग की है, और इसके अलावा इन लोगों से मतलब जो भी कुछ पूछा गया तो इनने बताया नहीं है। 1:52 पे मेरी लड़की हुई थी, लड़की तंदुरुस्त हुई है, सब बात ठीक ठाक है, और मैडम ये कह रही है कि मैं 2 बजे क्या नाम से जहाँ से डिस्चार्ज मतलब हॉस्पिटल छोड़कर चली गई थी, जब 1:52 पे जब लड़की हुई थी तो आप ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हैं? आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता है कि मतलब पहले डिलीवरी को पूरी कंप्लीट निपटा के जाया जाए कि नहीं जाए? नहीं, जो सुनने में आ रहा है कि कपड़ा वपड़े हाँ, और इनने बताया नहीं क्या नाम से कि ब्लीडिंग होने के कारण इनने कपड़ा लगाया, जो भी पैकिंग लगाई है, इसके बाद में इन लोगों ने मतलब सबसे बड़ी लापरवाही ये की है कि ये भूल गई हैं, और आज 10 से 12 दिन हो चुके हैं और इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि मेरी औरत जो है आज मतलब जिंदगी और मौत के बीच में है। इसकी जवाब इसका जवाबदार कौन होगा? यदि अगर अभी उसको अगर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, वो कपड़ा क्या निकाल दिया है आपको, दिखाया क्या उन्होंने? मैंने देखा है ना, आंखों से देखा है, स्वीपर है वो क्या नाम से अभी गवाही में मौजूद है, उसने खुद ने निकाला है, फेंका है मेरे सामने, मेरी आंखों की सामने की बात है। तो आप क्या बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं या यहीं से? देखता हूँ साहब, अगर यदि अगर ये लोग अगर झेलते हैं, अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बाहर ले जाऊंगा, क्या करूंगा? पर अगर इस अगर कुछ भी होता है आगे पीछे तो इसकी जवाबदारी इन दोनों सिस्टरों की होगी, एक आरती है और एक का नाम मैं जानता नहीं हूँ, उसको सकल से जानता हूँ। ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन डॉक्टर अमित श्रीवास्तव ने अभी मुझे 5-10 मिनट पहले बताया कि एक जच्चा ऐसी आई है और उसके परिजन बता रहे हैं कुछ कॉटन का कुछ पीस शायद ऐसा निकला है करके। तो अभी हम अगर ऐसा कुछ है संज्ञान लेते हुए, जो भी सिस्टर उस समय ड्यूटी पे थी ये रोस्टर देख के, उससे हम लोग स्पष्टीकरण ले रहे हैं और जो भी उचित होगा आप कार्रवाई करेंगे। अगर इस तरह का हुआ है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, पर अभी मैं इतनी जल्दी कुछ कह नहीं सकता। यदि उसको और कोई प्रॉब्लम होती है और जिला चिकित्सालय भेजा जाता है तो उसका परिवहन का खर्चा कौन? हाँ, उचित जो भी, अगर पहले तो बहुत नगण्य है कि इस तरह का हुआ, क्योंकि डिलीवरी के दौरान जो सीजरियन होता है मतलब जो ऑपरेशन होता है उसमें ही कॉटन छूटने के चांसेस रहते हैं, पेशाब के रास्ते में इस तरह का ऐसा होता नहीं है, फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग स्पष्टीकरण मांग रहे हैं उनसे, और होगा तो निश्चित उस पर कार्रवाई करेंगे उन पर, और हमारी प्राथमिकता प्रसूता की हेल्थ और स्वास्थ्य पे ही रहेगी, यहाँ से ही उसको चिकित्सीय सहायता सारी निःशुल्क मिलेगी। अगर हमें ज़रूरत लगेगी कि हायर सेंटर भेजना है या चिकित्सालय जिला चिकित्सालय भेजना है तो वहाँ पर भी आने जाने रहने इलाज का सब निःशुल्क रहेगा। इस मामले में आप किसकी लापरवाही मानेंगे? देखिए, जब तक मैं अभी हम लोग उनसे जो भी ड्यूटी पर सिस्टर है, सिस्टर इंचार्ज है या पूरी मेटर्निटी विंग को बुला रहे हैं, अभी मैं ये कह दूँ कि इसकी गलती है या ऐसा हुआ है, ये थोड़ा जल्दी है।